हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मोस्ट सर्चेबल एरर के बारे में, जो कि पीएचपी पे सबसे जो पीएचपी पे नए डेवलपर होते हैं सबसे ज़्यादा सर्च वो इसी एक पीएचपी डेवलपर जो स्टार्ट करता है वो सब कुछ तो कर लेता है, लेकिन जब डेटा बेस से कनेक्शन बनाने की बात आती है उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। ठीक है मेरे साथ भी ऐसा हुआ कई बार कि सब कुछ मैं डिज़ाइनिंग सब कुछ परफेक्ट करके एकदम कंप्लीट कर, लेकिन जब डेटाबेस कनेक्शन की बात आई तो डेटाबेस कनेक्शन उसमें मेरे हाथ पैर फूल गए। फिर वीडियो ट्यूटोरियल पता नहीं क्या क्या, और उसमें इतना घुमाया गया मुझे कि मुझे समझ भी नहीं आया कि इसको करना कैसे है, जबकि बाद में पता चला कि इसे करना और देखते रहिए। हेलो दोस्तों, अब हम आ गए हैं आपके पीएचपी कनेक्शन, ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया आपके लिए, एक छोटा सा प्रोजेक्ट पीएचपी कनेक्शन के नाम से। ठीक है, इसमें हम बताएंगे आपको कि कैसे कनेक्शन बनाएं। एक छोटा सा कनेक्शन बनाने में कितना मुश्किल काम लगता है, लेकिन कुछ लोग इसी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो एक मैं अपने पीएचपी प्रोजेक्ट्स में एक खास तरह का पैटर्न फॉलो करता हूँ, कि मेरी बात कहो तो मैं एक खास तरह का पैटर्न फॉलो करता हूँ, उसी पैटर्न पे मैं जो है कनेक्शन बनाता हूँ। वो है जैसे कि मैंने एक फोल्डर बना लिया डीवी कॉन्फिग के नाम से। ठीक है, ये हो गया मेरा एक फोल्डर डीवी कॉन्फिग के नाम से। अब हम इसमें एक पीएचपी फाइल बनाएंगे, कॉन्फिग अब इसके अंदर हम सिंपल लिखेंगे डॉलर डीवी होस्ट हमें बस चार वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है बेसिकली। एक डीवी होस्ट की हो गई, डीबी यूजर, डीबी पासवर्ड, एक लास्ट है डीबी नेम। यहाँ पे होस्ट में आप डाल दो सीधा लोकल होस्ट, यूज़र में जो लोग पीएचपी माई एडमिन यूज़ करते हैं उनके लिए तो सिंपली क्या होता है कि यूज़र रूट होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका जैसे वर्क ब्रेंच यूज़ कर रहे हैं पीएचपी का वर्क ब्रेंच यूज़ कर रहे हैं या तो और कोई डेटाबेस हैंडलर यूज़ करें जो डेटाबेस अपना जिस पे वो देखते हों सब करते हों, तो उसमें यूज़र नेम डिफाइन करना पड़ता है। जब आप उसमें पीएचपी अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड डिफाइन करते हो, और जब आप फिर कनेक्शन बनाओगे तो भी आप उसमें जो है वो यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा, तो जो आपने डिफाइन किया हुआ है वही यूज़र नेम पासवर्ड आप जो है यूज़ करोगे उसमें।
तो उस कंडीशन में आपको वही यूज़र नेम पासवर्ड आपको लिखना पड़ेगा जो आपने डिफाइन किया हुआ है, और कोई आप नहीं लिख सकते हैं। अगर आप और कोई लिखेंगे तो चलेगा ही नहीं ये, तो इसलिए आपको वही यूज़र नेम पासवर्ड लिखना होगा जो आपने उसमें डिफाइन किया हुआ है। तो ये इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत सी गलतियाँ, मतलब बहुत से लोग ऐसी गलतियाँ भी करते हैं कि वो यूज़र नेम पासवर्ड जो है रूट ही डालते हैं, वीडियो को देख करके या कहीं इंटरनेट से देख लिया उन्होंने तो इसमें रूट डाला है तो मैं भी रूट डाल के देख लूँगा, लेकिन उन्होंने वर्क ब्रेंच यूज़ किया है या कहीं और गए वो काम करने, वहाँ पे वर्क ब्रेंच मिला लेकिन उन्होंने यूज़र नेम पासवर्ड रूट ही डाला, तो वो चलता नहीं है। और फिर उन्हें फिर समझने में प्रॉब्लम होती है कि चल क्यों नहीं रहा है, दिक्कत क्या आ गई। ठीक है, तो ये हो गया। और जब आप उसको कॉन्फ़िगर करो तो आप जो है उसका होस्ट और यूज़र नेम पासवर्ड भी आप रूट ही रखो, क्योंकि जब आप PHP इंस्टॉल करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी यूज़र नेम पासवर्ड डाल देता है, तो उससे बचने के लिए आप वो जो है यूज़र नेम पासवर्ड डालो। और आप PHP माई एडमिन का अगर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे रूट डाल दिया और नीचे पासवर्ड वाला ब्लैंक छोड़ करके यहाँ पे आप DB नेम डाल दो। DB नेम डालने के बाद अब इस कनेक्शन का एक मेथड बना करके अब हम इसका एक कनेक्शन बना देते हैं, MySQL आई, और ये चारों चीज़ें अब इसी में हम पास कर देंगे। ये आपका कनेक्शन रेडी हो गया, ये आपकी डेटाबेस के साथ लिंक हो जाएगा, और अब आप इसको कहीं भी किसी भी अपने पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज़ कर सकते हो। बस आपको अब हम आपको तरीका बताएंगे, मतलब किस तरह से आप इसको प्रोजेक्ट को अपने किसी भी पेज पे यूज़ करोगे। इसको यूज़ करने का तरीका, हमने एक index.php नाम का पेज ले लिया, उसमें कुछ नहीं करना, बस हमें लिखना है इंक्लूड फंस, config.php, ये इस आईडी की मतलब पावर है कि आप इसको जो है इस तरह से यूज़ कर सकते हो, इसमें मल्टीपल सेविंग वगैरह। इसकी वीडियोस मैंने पहले ही डाल रखे हैं अपने चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हो। तो बस ये तरीका है, यहाँ से आप इस तरह से अपना डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो, और आप इस तरह से उसको किसी भी अपने प्रोजेक्ट पूरे प्रोजेक्ट में किसी भी पेज पे इस तरह से आप इंक्लूड कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके भेज सकते हो, तो मैं डेली अपना कमेंट देखता रहता हूँ। तो अगर प्रॉब्लम आई आपको, आप नहीं बना पा रहे, आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आया, तो मैं आपको आपकी ईमेल पे रिप्लाई करके मैं आपको सोल्यूशन दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।